नेटफ्लिक्स ने 29 अगस्त को अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फॉलिंग इन लव रिलीज कर दिया है। इस मूवी को हिंदी और इंग्लिश में रिलीज किया गया है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसी है ये मूवी और आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। पिछले कुछ सालों में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की फॉलिंग इन लव को देख के ऐसा लगता है कि ये जैसे टीवी मूवी के लिए ही बनी है। फॉलिंग इन लव एक क्यूट मूवी है पर लोग इसे आसानी से भूल जाएंगे। जैसे कुछ रोमांटिक कॉमेडी मूवी हमें याद रह गई, जिनमें से 51st डेट, व्हेन हैरी मेट सैली और अबाउट टाइम जैसी मूवी हमें याद रह गई और हम इसे अभी भी कई बार बिना बोर हुए देख सकते हैं। गैब्रियला के साथ हफ्ते में ही दो बुरी घटना हो जाती है। गैब्रियला के उनके बॉयफ्रेंड डीन के साथ ब्रेकअप हो जाता है और साथ ही उनकी होम डिजाइन की जॉब छूट जाती है और उसके बाद वो एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसका नाम विन एंड इन होता है, जिसे वो जीत भी जाती हैं और उन्हें न्यूजीलैंड में एक गेस्ट हाउस मिलता है और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ये गेस्ट हाउस इतना खास नहीं है जितना वो सोच रही थी। गैब्रियला वहाँ के लोकल्स के हेल्प से वो अपने गेस्ट हाउस को रेनोवेट करती हैं। जब ये रेनोवेशन मुश्किल होने लगती है तो वो वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर जेक ट्रेलर से हेल्प मांगती हैं और वो दोनों साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या रिलेशनशिप रेनोवेशन के बाद भी सर्वाइव करेगी, क्योंकि गैब्रियला की लाइफ सैन फ्रांसिस्को में है और उन्हें वहाँ से एक जॉब का ऑफर भी आता है। इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फॉलिंग इन लव नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसे आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Shazam?